बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों को दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मंसूर और आप देख रहे हैं विलेज फन लाइफ। पे आके आपको कैसा लगा? बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। ये हमारा गांव है, साथ ही हमारा साथ ही गांव है। और मुर्शद दा है दीवाना है जमाना, जाने या अली, जाने या अली। कितना जबरदस्त व्यू है। जी ये व्यू बहुत जबरदस्त है और हम लोग पॉइंट पे पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें तो कहीं से नहीं मिल रहा। हाँ जी, हम लोग रास्ता ढूंढते रहे और जवानों ने यहीं से छलांग लगा दी। सूरज की आंख मचोली आज सुबह से चल रही है, कहीं धूप होती है तो कहीं छांव। दूर आपको दरियाए समा भी नजर आ रहा होगा। जी लड़के पहुंच रहे हैं पॉइंट की जानेब और काफी सारे लड़के तो पहुंच भी गए हैं और जाके उन्होंने नहाना भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन यूट्यूब पर भाई अभी तक ऊपर से जगह का व्यू ही ले रहे हैं। ये अल्लाह की कुदरत ही तो है कि जमीन में से पानी कैसे खुद बखुद निकल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मंसूर और आप देख रहे हैं विलेज फन लाइफ। क्या हाल है सबका? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। आज ईद का दूसरा दिन है और हम लोग गोश्त वगैरह ले के घर से आए हैं। सारी चीज़ें यहां पे हमारे गांव में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, त्रिमड़ी इसका नाम है, तहसील तलगंग, गाँव का नाम मिरगी है, डिस्ट्रिक्ट चकवाल है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। रास्ता तो यहाँ का काफ़ी मुश्किल था और हम लोग आते हुए ये सोच रहे थे कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब भी हम यहाँ पहुँचे हैं तो ये व्यू देख के हमारी सारी थकन दूर हो गई है। जी ये देखें कैसे मुश्किल मुश्किल रास्तों से हो के हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। वो है हमारा फाइनल पॉइंट। जी दोस्तों, अभी हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और बहुत थक गए हैं। हमने सोचा 5-7 मिनट यहाँ पे रेस्ट कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन हम जब अपने पॉइंट पे पहुँच जाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। बाकी लड़के पहुँच चुके हैं और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशीफ मलिक है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम ये रावलपिंडी से आए हैं।
अच्छा, और ये जगह यहाँ पे आके आपको कैसा लगे? बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। ये हमारा गांव है, साथ ही हमारा साथ ही गांव है, और बहुत प्यारी जगह है ये। हमने इस जगह को थोड़ा आपको बताना है कि बहुत हमारा गांव में बहुत सारी जगह हैं और बहुत प्यारी जगह हैं। और इसका दूसरा दिन हम आए हैं, हमने कहा कि थोड़ी हो जाए, इंजॉय किया जाए। सब कज़न हैं, आप देख सकते हैं, और इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं। साथ कढ़ाई का प्रोग्राम और चिक्के चिक्के, ये तो आपको पता है इसके दिनों में चलता है ये प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सीब, एंजॉय करें। थैंक यू। आप एंड पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि मेरे कज़न का और भाई है मेरा, उसका एक यूट्यूब चैनल है विजिट फन लाइफ, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। गोश्त को गलने में बहुत टाइम लग गया है और अब तो हमारी भूख बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है। आने वाले दोस्तों के लिए ये एडवाइज़ है कि अगर वो यहाँ पर आकर कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के लिए वो अपना पानी साथ लाएं, क्योंकि इस पानी से गोश्त नहीं गलता। बाकी पीने के लिए ये पानी बहुत अच्छा और मीठा है। अब वापसी के लिए तैयारियां हो रही हैं, लेकिन जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। कुछ लोग ऊपर पहुंच गए हैं। जी दोस्तों, अब हम ऊपर आ चुके हैं और अब मैं आसिम मलिक से आप सबको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शाद में एक कसीदा सुनवाता हूं। अब हम वापस आ गए हैं, ये पहाड़ी चढ़ के आए हैं। बहुत पसीने से बुरा हाल है, गर्मी भी बहुत है, 2 बजे का टाइम है, लेकिन व्यू बहुत ज़बरदस्त था। भट्टी साहब फ्लाइंग केस करते हुए
हम लोग 6 मोटरसाइकिल लेकर गए हुए थे और 16 बंदे उसमें बैठे थे और एक बसीर था। चाइना ने मोटरसाइकिल 2 बंदों के लिए बनाया है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में 4-4 चढ़ के बैठ जाते हैं। एनीवेज अब हम खुशगवार मूड में घर को वापस जा रहे हैं। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।